हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टेस्टी अपलोड्स। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ मीठी मीठी गुजिया की रेसिपी। होली आ रही है और होली का त्यौहार हो और गुजिया ना बने, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो बहुत ही आसान तरीके से आज मैं आपको गुजिया की रेसिपी बताने वाली हूँ। अगर आप इस तरीके से गुजिया बनाएंगे तो गुजिया सेकते टाइम कभी भी नहीं फटेगी और बहुत ही बढ़िया खस्ता गुजिया बनके तैयार हो जाएंगी। तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, आइए जल्दी से देख लेते हैं कि ये गुजिया हमें कैसे बनानी है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है और कढ़ाई में डाल ली है 1 कप सूजी। इसके बाद में मैंने यहाँ पर डाल लिया है 1 बड़ी चम्मच भरकर घी। और अब हम इसे अच्छे तरीके से भून लेंगे करछी की मदद से चलाते हुए। तब तक भूनना है स्लो फ्लेम पर जब तक इसका कलर गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। इसे चलाते हुए ही भूनेंगे, एक ही जगह पर नहीं छोड़ना है हमें सूजी को। देखिए इसका कलर अब गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अच्छे से सूजी भुन चुकी है। इसके बाद में मैंने यहाँ पर डाल दिया है मावा। ये मावा भी मैंने घर पर ही बनाया है। मावा की रेसिपी मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। मावा को अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर लीजिए। मावा मेल्ट हो जाएगा यानी कि पिघल जाएगा और सूजी में ही अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अगर आप मावा की रेसिपी जानना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्रॉप किया हुआ है, आप वहाँ पर क्लिक करके इसकी रेसिपी देख सकते हैं। तो देखिए मावा अच्छे से यहाँ पर मिक्स हो गया है सूजी में। अब इसके बाद में मैं यहाँ पर डाल रही हूँ चिरौंजी, पिस्ता, यहाँ पर मैंने कद्दूकस किया हुआ नारियल डाला है, आप लोग चाहें तो नारियल का बुरादा भी डाल सकते हैं। और फ्लेवर के लिए मैंने यहाँ पर इलायची पाउडर डाला है। ड्राई फ्रूट्स में मैंने सिर्फ यहाँ पर पिस्ता डाला है, आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद हो आप वो डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी किशमिश भी ऐड कर दी है इसमें, आप लोग चाहें तो आप इसमें बादाम भी ऐड कर सकते हैं या फिर काजू भी ऐड कर सकते हैं। अब इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए जिससे कि सारे ड्राई फ्रूट्स मिक्सचर में मिक्स हो जाएं अच्छे से, और फिर फ्लेम को बंद कर दीजिए। यहाँ पर ये फिलिंग बनके रेडी है, अब इसे एक बोल में निकाल लेंगे। तो फिलिंग एक बोल में निकाल ली है, अब इसे 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें जिससे कि थोड़ा टेम्परेचर डाउन हो जाए। तब तक यहाँ पर मैं मैदा ले रही हूँ जिससे कि हम आटा लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 500 ग्राम मैदा ले लिया है। मैदा के बीच में इस तरीके से थोड़ा होल कर लेंगे। और उसके बाद में मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1/4 कप ऑयल, आप ऑयल की जगह पर घी भी डाल सकते हैं। इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे मैदा में, ऑयल अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। तो देखिए जब आप मिक्स कर लेंगे तो आटा कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब इसके बाद में मैं यहाँ पर आटा पानी से नहीं दूध से लगाऊंगी। दूध से आटा लगाएंगे तो गुजिया बहुत ही अच्छे तरीके से बनके तैयार हो जाएंगी। आप एक बार इस तरीके से आटा लगाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, गुजिया आपको बहुत पसंद आएगी। और ध्यान रखें कि एक साथ ज़्यादा क्वांटिटी नहीं डालनी है दूध की, धीरे धीरे करके ही क्वांटिटी डालिए। आप लोग चाहें तो आप पानी से भी लगा सकते हैं आटा, कोई ज़रूरी नहीं है दूध से आटा लगाना। गुजिया के लिए आटा थोड़ा सख्त ही लगता है। उसके बाद मैंने यहाँ पर थोड़ा सा घी डालकर इसे स्मूथ कर दिया है। इसे स्मूथ करने के बाद हम यहाँ पर इसे एक थाली से ढक देंगे और 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। तो जब तक आटा 20 मिनट के लिए हमने छोड़ा है, यहाँ पर मैंने 1 कप शुगर पाउडर यानी कि यहाँ पर मैंने बूरा उस फिलिंग में डाल लिया है जो फिलिंग हमने बनाकर तैयार की थी गुजिया के लिए। फिलिंग में बूरा अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अभी फिलिंग ना ही ज़्यादा गर्म है और ना ही ठंडी हुई है, तो इसीलिए इस टाइम ही अच्छे से मिक्स हो जाएगा इसमें बूरा। आइए 20 मिनट के बाद हम आटा चेक करेंगे। तो आटा पहले से थोड़ा मुलायम यानी कि सॉफ्ट हो चुका होगा। अब थोड़ा सा सिलेंड्रिकल शेप देते हुए हम लोई तोड़ना शुरू करेंगे। तो लोई बना लीजिए, लगभग नींबू के साइज़ की लोई ले रही हूँ मैं यहाँ पर।
तो यहाँ पर लोई बनके तैयार है। अब इसमें से हम एक लोई उठा लेंगे और बाकी लोई इस तरीके से ढक देंगे जिससे कि बाकी लोई सूखे ना। तो अब हम एक लोई बेलना शुरू करेंगे। शेप की आपको ज़्यादा कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, प्रॉपरली गोल ही बने ये, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप लोग चाहें तो आप गुजिया मेकर की हेल्प से बना सकते हैं गुजिया, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बिना गुजिया मेकर के गुजिया बनाना सिखाऊंगी, जो कि बहुत ही आसान तरीका है। तो देखिए इस तरीके से हमने इसे बेल लिया है और उसके बाद में इसे रख देंगे। तो इसी तरह मैंने यहाँ पर सारी ये लोई बेल कर रख ली है। अब इसके बाद में एक लोई को इस तरीके से उठाइए और जो नीचे वाला हिस्सा है वो ऊपर की ओर आया है, और अब हम सबसे पहले इसके सेंटर में रखेंगे फिलिंग। ध्यान रखें कि फिलिंग ज़्यादा भी ना भरें, आप जितना बेल रहे हों उसके हिसाब से ही साइज़ लेंगे हम। अब यहाँ पर मैंने लगभग 1.5 चम्मच फिलिंग डाल ली है। अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो इस तरीके से बंद करके ज़रूर देख लें कि ज़्यादा ना हो फिलिंग। और उसके बाद में यहाँ पर हम इसके पूरे कॉर्नर्स पर पानी लगा देंगे। ज़्यादा पानी नहीं लगाना है, हल्का हल्का पानी लगा लीजिएगा। और पानी लगाने के बाद में हम इसे फोल्ड करेंगे गुजिया की शेप में। तो इसे इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। अच्छे तरीके से कॉर्नर्स को चिपका लीजिए, बिल्कुल गैप नहीं रहना चाहिए। और इसके बाद में अब हम इस गुजिया को ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, इसे हम एक बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही अच्छा अट्रैक्टिव डिज़ाइन देंगे। तो इसे इस तरीके से फोल्ड करते हुए हम एक डिज़ाइन दे देंगे, बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है। एक बार ये गुजिया सिक जाएगी तो बहुत ही सुंदर दिखेगी और खाने में तो मज़ा आएगा ही। बहुत ही खस्ता गुजिया बनके तैयार होती है इस तरीके से। होली का त्यौहार आ रहा है तो इस तरीके से गुजिया बनाना एक बार तो बनता ही है। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर इसे मैंने फोल्ड कर लिया है और ये गुजिया बन के तैयार हो गई। बहुत ही आसान तरीका है। इसी तरीके से आइए हम एक और गुजिया तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हम फिलिंग रखेंगे, ज़्यादा नहीं रखेंगे, लोई जितनी हमने बेली है उस हिसाब से। और उसके बाद में साइड्स पर हम पानी लगा लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी लगाने के बाद इसे फोल्ड कर लेंगे। और उसके बाद में हम इसे फोल्ड करते हुए डिज़ाइन दे देंगे जिससे कि गुजिया और भी ज़्यादा अच्छी लगेगी। अगर आप इस तरीके से गुजिया बनाएंगे तो गुजिया सेकते टाइम कभी भी नहीं फटेगी। बहुत से लोगों की शिकायत रहती है कि गुजिया फट जाती है सेकते टाइम और बाकी सारी गुजिया उसकी वजह से ख़राब हो जाती हैं, लेकिन इस तरीके से गुजिया कभी भी नहीं फटेगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये सारी गुजिया बनाकर रख दी हैं। इन्हें आधे घंटे के लिए हम ऐसे ही रहने देंगे और आधे घंटे के बाद हम गुजिया को पलट देंगे। आप ये सारा प्रोसेस इसी तरीके से फॉलो करेंगे तो आपकी गुजिया बिल्कुल भी नहीं फटने वाली है, लेकिन सारा प्रोसेस इसी तरीके से फॉलो करना है, कोई भी स्टेप मिस मत कीजिएगा। तो ये गुजिया पलटने के बाद हम आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे इन गुजिया को, और उसके बाद में ही हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए भी ध्यान रखें कि ऑयल अच्छे से गर्म हो जाना चाहिए और फ्लेम को स्लो कर दें और गुजिया डाल लें। तो यहाँ पर मैंने एक साथ 4 गुजिया डाल ली हैं और अब हम इन्हें स्लो फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे। कभी भी फ्लेम ज़्यादा नहीं रखनी है, हमेशा फ्लेम को आप कम ही रखेंगे और इन्हें पलटते हुए हल्के हाथ से फ्राई करेंगे। बिल्कुल लाइट हैंड से फ्राई करना है इन्हें, पलटते हुए फ्राई करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर आप स्लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो एकदम खस्ता गुजिया बनके तैयार होंगी और खाने में भी बहुत ही बढ़िया लगेंगी। इन्हें हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक इनका कलर गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता है। तो देखिए अब इनका कलर अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन हो गया है, अच्छे से फ्राई हो गई है। अब एक्स्ट्रा ऑयल को कढ़ाई में ही निकलने दें और तब तक हम कढ़ाई में और गुजिया डाल लेंगे। एकदम ऑयल फ्री गुजिया है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगेंगी, एक बार इन्हें ज़रूर बनाइएगा।
तो देखिए कितने अच्छे से सेक गई है। इसी तरीके से हम सारी गुजिया सेक लेंगे। इसी तरीके से आपको सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं, एक भी गुजिया नहीं फटेगी इस तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने सारी गुजिया फ्राई करके रेडी कर ली हैं। आप लोग भी ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। एंड मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।